हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये वाइट चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना कर सकें। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है, और ये दो प्याज ले ली हैं पिसी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, दही ले लिया है, और ये मैंने यहाँ काजू गरम पानी में भिगो के रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं, इसे भी मैंने गरम पानी में सोख करने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ मैंने कुटी हुई काली मिर्च ले ली है। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दही को डाल दिया चिकन में, और यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और नमक डाल देंगे। और मैं इसे अब हाथों से अच्छे तरीके से मिला लूँगी, ताकि सारी कोटिंग हमारे चिकन पे अच्छे से लग जाए। और इसे मैरिनेट होने के लिए कम आधे घंटे के लिए रख देंगे, फ्रीजर में रख दें आप। और यहाँ पे मैंने कुछ ये ड्राई मसाले ले लिए हैं, जावित्री ले ली है, दालचीनी ले लिया है, जायफल ले लिया है, दो बड़ी इलायची ले ली है, एक तेज़पात का पत्ता ले लिया है, और लौंग ले ली, कुछ काली मिर्च। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें। 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूँगी। और इसमें अब ड्राई मसाले हम ऐड कर देंगे। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए। और अब मैंने जो यहाँ पे प्याज पीस के रखी थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। केयरफुली डालें, और इसे हमें अच्छे से ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें वाइट ही रखना है, क्योंकि हम वाइट चिकन बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी वाइट होनी चाहिए। ये देखिए, बस इतना ही हमें इसको अच्छे से सौते कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें ब्राउन नहीं करेंगे हम ग्रेवी को। अब मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे 3 हरी मिर्च बीच में से कट की हुई, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक ऐड किया है, तो आप चेक करके नमक डालिएगा। और इसे भी अच्छे से हम इस तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर इसमें चिकन डाल दूँगी मैरिनेट किया हुआ, अच्छे से इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। आप चाहें तो जो ये मैंने ड्राई मसाले ऐड किए हैं, खड़े मसाले, आप इसे हटा भी सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी एज इट इज़। और अच्छे से इसे हम पका लेंगे इसमें। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए, ऐसे पकने के लिए। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही अपने आप पानी छोड़ेगा। ये देखिए, 10 मिनट बाद चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, दही ने अपना पानी छोड़ने स्टार्ट कर दिया है, और ये हमारा चिकन भी अब धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अब मैं ये काजू और बादाम का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे, और इसे अब हम पकने के लिए रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे चेक करते हैं। यहाँ देखिए, हमारा पानी सारा सब हट चुका है, और अभी अच्छे से हमारा चिकन तैयार हो चुका है, और ये गल भी बहुत अच्छे से गया है। अब मैं यहाँ पे इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दूँगी, अमूल की फ्रेश क्रीम। 3 से 4 बड़े चम्मच में इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी, इससे बहुत ही क्रीमीनेस आती है और बहुत अच्छे हमारी ग्रेवी बन के तैयार होती है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी, ये आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे इसमें डिश में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इन्हेंस होता है इसका फ्लेवर। तो इसे भी अब मैं कम से कम 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दूँगी। क्रीम को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ये देखिए, और 5 मिनट बाद चेक करते हैं, हमारा चिकन अब तैयार हो चुका होगा। ये देखिए, बस अब हमें इतनी ही ग्रेवी रखना है, ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है। ये हमारा चिकन बनके तैयार हो चुका है, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, और 2 हरी मिर्च के साथ इसे मैंने गार्निश कर दिया है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।